नमस्कार दोस्त, आप सब कैसे हैं? हमें उम्मीद है कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे, बहुत ही बेहतरीन होंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे जो पिछले वीडियो में हम लोगों ने जो छोड़ा था, इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। तो पार्ट वन वीडियो था, ये पार्ट टू वीडियो है। अगर आप पार्ट वन वीडियो अभी तक नहीं देखे हैं तो दोस्त आप पार्ट वन वीडियो देख लीजिए, वीडियो का डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। ये पार्ट टू वीडियो है, तो किसी भी अगर आप पार्ट वन वीडियो नहीं देखेंगे तो आपको इसमें समझ में कुछ नहीं आएगा। तो चलिए इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। तो इस वीडियो में पार्ट वन वीडियो में हम लोगों ने क्या क्या किया था, तो पार्ट वन वीडियो के अंदर हम लोगों ने ये सब चीजें कर लिया था। जैसे कि दोस्त आप लोग यहाँ पे देखेंगे तो हम लोगों ने इतना काम कर लिया था। अब पार्ट टू के अंदर ये इसके आगे का जो काम है वो हम लोग जानेंगे और उस चीज को हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले दोस्त यहाँ पे हम लोगों ने छोड़ा था, तो हम इसको रिफ्रेश कर लेते हैं क्योंकि हमें इसको अपडेट कर चुके थे, तो इसको एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं। इसके अगर इसके अंदर कोई चेंजेस हुआ हो तो फिर से रिफ्रेश हो जाए, और हम लोगों का जो होम पेज था उसको भी रिफ्रेश एक बार कर लेते हैं, और अपने वेबसाइट के डैशबोर्ड के अंदर भी हम लोगों को चलना है। तो अपने वेबसाइट के डैशबोर्ड में भी हम लोग चलेंगे, और उसके बाद हम लोग क्या किए थे पिछले वीडियो में, हम लोग ने यहाँ पे थीम राजा से एक प्लगइन डाउनलोड किए थे जिसका नाम था एलिमेंटर प्रो। आगे हम लोगों को काम पड़ेगा एलिमेंटर का, तो प्रो हम लोगों ने डाउनलोड किया था। अभी इसके अंदर एक और हम लोगों को प्लगइन डाउनलोड करना था जो हम लोगों ने यहाँ पे सर्च करके छोड़ा था थीम राजा की वेबसाइट पे, Hostify Pro Add-ons, तो इसको भी हम लोग यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे। ठीक है दोस्त, दो प्लगइन हम लोगों को डाउनलोड करना है, और दोनों प्लगइन को जब तक ये रिफ्रेश हो रहा है तब तक हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे दोनों प्लगइन को इंस्टॉल कर लेते हैं। तो यहाँ पे दोस्त अपनी वेबसाइट के डैशबोर्ड पे आ चुके हैं। अब यहाँ पे प्लगइन को ऐड करने के लिए दोस्त यहाँ पे हम प्लगइन सेक्शन पे आएंगे और यहाँ पे ऐड न्यू प्लगइन पे क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पे हम लोगों ने जो दो प्लगइन को डाउनलोड किया था उन दोनों प्लगइन को हम लोग यहाँ पे इंस्टॉल करेंगे। तो सबसे पहले इंस्टॉल करने के लिए यहाँ पे अपलोड फाइल पे क्लिक करना है, अपलोड प्लगइन पे क्लिक करना है, और यहाँ पे चूज फाइल पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे हम लोगों का जो कंप्यूटर का फोल्डर है वो ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लोगों ने डाउनलोड किया था, तो अगर आप इलेमेंटर को डाउनलोड करते हैं थीम राजा की वेबसाइट से, तो दोस्त आपको क्या करना होता है, सबसे पहले इसको एक्सट्रैक्ट करना होता है। तो इस पे आपको राइट क्लिक करना है और यहाँ पे एक्सट्रैक्ट ऑल पे क्लिक कर देना है। एक्सट्रैक्ट ऑल पे क्लिक करने के बाद दोस्त यहाँ पे एक्सट्रैक्ट का ऑप्शन आएगा। अब यहाँ पे हमने एक्सट्रैक्ट पे क्लिक कर दिया है, तो यहाँ पे देखेंगे एक साइड में एक फोल्डर क्रिएट हो रहा है, तो यहाँ पे अनजिप होके क्रिएट हो रहा है। तो यहाँ पे एक्सट्रैक्ट होने के बाद इसको हम लोग ओपन करेंगे, इसके अंदर से जो फाइल मिलेगा हम लोग उसको इंस्टॉल करेंगे। यहाँ पे दोस्त आप देख पा रहे हैं यहाँ पे एक्सट्रैक्ट हो चुका है, यहाँ पे अनजिप होके यहाँ पे एक फोल्डर क्रिएट हुआ है। इस फोल्डर को हम लोग ओपन करेंगे, इसके अंदर फिर से हम इसको ओपन करेंगे, और यहाँ पे आप देखेंगे कि दो फोल्डर दिख रहे हैं, एक फ्री वाला है एक प्रो वाला है। तो हम लोगों ने फ्री वाला पहले इंस्टॉल कर रखा है, तो हमें यहाँ पे प्रो वाला को इंस्टॉल करना है। तो इसको हम लोग सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे इंस्टॉल नाउ पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे जो एलिमेंटर प्रो है यहाँ पे इंस्टॉल हो गया, तब अपने को यहाँ पे क्या करना है कि एक्टिवेट प्लगइन पे क्लिक कर देना है। इसके बाद दोस्त हम लोग एक और प्लगइन इंस्टॉल करेंगे जो एडन था, तो यहाँ पे एड न्यू प्लगइन पे फिर से क्लिक करते हैं, और यहाँ पे चूज फाइल पे क्लिक करेंगे हम लोग। और जो हम लोगों ने दूसरा प्लगइन एक डाउनलोड किया था Hostify Pro Add-on, तो यहाँ पे इस प्लगइन को यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं और इंस्टॉल नाउ पे क्लिक कर देते हैं। तो हम लोगों ने यहाँ पे कुल दो प्लगइन को इंस्टॉल किया, यहाँ पे एडन भी हम लोगों ने इंस्टॉल कर दिया, और इस प्लगइन को भी एक्टिवेट कर लेते हैं। इन दोनों प्लगइन को इंस्टॉल और एक्टिवेट करने के बाद दोस्तों हम लोग चलते हैं अपने यहाँ पे एलिमेंटर वाले डैशबोर्ड पे आ चुके हैं। अब इस पेज को हम लोग कस्टमाइज करेंगे, तो इसके लिए दोस्त हम लोगों ने दो प्लगइन को इंस्टॉल किया है, तो एलिमेंटर प्रो को हम लोगों ने इंस्टॉल किया है। तो इसके लिए दोस्त हम लोगों को यहाँ पे रिफ्रेश करना पड़ेगा ताकि इस पेज पे जो एलिमेंटर प्रो का सेटिंग्स है वो यहाँ पे आ जाए। तो यहाँ पे दोस्त ये जो पेज है रिफ्रेश हमने कर दिया, अब यहाँ पे नीचे में आते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने दो सेक्शन तीन सेक्शन बनाया था, तो यहाँ पे हम लोगों का जो प्रोडक्ट एड करना था उसके लिए दोस्त हम यहाँ पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे प्लस पे क्लिक करने के बाद दोस्त हमें यहाँ पे क्या करना है कि प्रोडक्ट यहाँ पे सर्च कर लेना है। तो प्रोडक्ट हम लोग सर्च करेंगे, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि Hostify का प्रोडक्ट यहाँ पे आता है, और यहाँ पे एक और प्रोडक्ट का सेक्शन आता है, और यहाँ पे नीचे में देखेंगे तो WooCommerce का प्रोडक्ट वाला भी सेक्शन मिलेगा अपने को। तो यहाँ पे एक हम प्रोडक्ट वाला सेक्शन को यहाँ पे उठा कर रख देते हैं। इसके बाद दोस्त यहाँ पे आप क्वेरी पे आएंगे, और यहाँ पे लेटेस्ट प्रोडक्ट या जो भी कैटेगरी आप दिखाना चाहते हैं उस कैटेगरी को आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे, तो उस कैटेगरी से रिलेटेड यहाँ पे प्रोडक्ट आना शुरू हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं लेटेस्ट प्रोडक्ट शो कराना तो यहाँ पे लेटेस्ट प्रोडक्ट आ जाएगा। अगर आप चाहते हैं सेल वाला या फीचर्ड वाला या मैनुअल सेक्शन या रिलेटेड प्रोडक्ट या अपसेल क्रॉस सेल, यहाँ पे आप जो भी चाहते हैं तो यहाँ पे शो करा सकते हैं। उसके बाद अगर आप चाहते हैं कि कैटेगरी वाइज शो कराना तो आप वो भी करा सकते हैं। तो दोस्त हमने यहाँ पे दिया है बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट, तो इसके लिए दोस्त हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे अपने को एक ऑप्शन मिलेगा सेल वाला, तो इस सेल वाला पे हम लोग ने यहाँ पे क्लिक किया और इसको हम लोग यहाँ पे अपडेट कर देंगे। तो यहाँ पे इसलिए प्रोडक्ट शो नहीं हो रहा है
क्योंकि अपने साइट के ऊपर हम लोगों ने प्रोडक्ट को ऐड नहीं किया था, इसलिए यहाँ पे शो नहीं हो रहा है। उसके बाद दोस्त यहाँ पे ऑप्शन आता है थीम और प्लगइन का, तो यहाँ पे हम इस पे भी क्लिक करते हैं और यहाँ पे भी प्रोडक्ट हम सर्च करते हैं। और सबसे पहले दोस्त हम लोग चलते अपनी वेबसाइट पे, कुछ प्रोडक्ट्स को ऐड कर लेते हैं ताकि यहाँ पे लाइव यहाँ पे प्रोडक्ट दिखेगा तो थोड़ा सा आपको समझ में आएगा कि सही में यहाँ पे प्रोडक्ट ऐड हो रहा है। तो सब यहाँ पे अपडेट कर लेते प्लान और चलते अपने साइट के एडमिन पैनल के अंदर और वहां पे हम लोग कुछ प्रोडक्ट्स को ऐड करेंगे। तो इसके लिए दोस्त हम लोग क्या करेंगे कि हम लोगों को तो डिजिटल प्रोडक्ट ऐड करना है, तो इसके लिए दोस्त हम लोग यहाँ पे प्रोडक्ट वाले सेक्शन पे आएंगे और यहाँ पे ऐड न्यू प्रोडक्ट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम न्यू टैब में ओपन कर लेते हैं। और एक काम करते हैं कि हम लोग, हमारे पास कोई प्रोडक्ट तो है नहीं, तो फिलहाल हम क्या करते हैं कि इसी वेबसाइट से कुछ प्रोडक्ट्स को हम लेते हैं और यहाँ पे ओपन करके इन्हीं प्रोडक्ट्स को हम लोग ऐड कर लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने इस प्रोडक्ट को ओपन कर लिया और यहाँ पे ये जो प्लगइन का जो टाइटल है, इस टाइटल को हम लोग उठा लेंगे। प्रोडक्ट के जो टाइटल है हमने टाइटल को कॉपी कर लिया और यहाँ पे हमारा थोड़ा सा नेट स्लो है दोस्त, तो इसके लिए थोड़ा सा गोल गोल घूम रहे हैं। अब यहाँ पे हम टाइटल को पेस्ट कर देते हैं और सेकेंड हम लोगों का स्टेप है जो कि एचओ शॉर्ट डिस्क्रिप्शन है, इस शॉर्ट डिस्क्रिप्शन को हम यहाँ से उठाएंगे और शॉर्ट डिस्क्रिप्शन को दोस्त नीचे में ला के यहाँ पे रखना होता है, तो यहाँ पे नीचे में रख देते हैं। और उसके बाद जो हम लोगों का सेकेंड, इसके बाद जो ऑप्शन आता है तो डिस्क्रिप्शन का आता है, यहाँ पे हम लोग डिस्क्रिप्शन भी कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे इस डिस्क्रिप्शन को ला कि यहाँ पे डिस्क्रिप्शन वाला ऑप्शन यही वाला है, तो इसमें हम डिस्क्रिप्शन रख दिए। उसके बाद दोस्त अपने को यहाँ पे एक और काम करना है, यहाँ पे ये जो इमेज है ना, इस इमेज को हम लोगों को यहाँ से ले लेना है, तो इमेज को हम यहाँ से सेव कर लेते हैं और यहाँ पे अपनी वेबसाइट के अंदर आते हैं। तो यहाँ पे काम करते हैं, इमेज वाला सेक्शन जो हम लोगों को मिलेगा यहाँ पे फीचर इमेज के नाम से सेक्शन मिलेगा, तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो प्रोडक्ट इमेज के नाम से मिलेगा, तो यहाँ पे सिलेक्ट प्रोडक्ट इमेज पे हम लोग क्लिक करेंगे और यहाँ पे अपना प्रोडक्ट का जो इमेज है उस इमेज को हम लोग यहाँ पे अपलोड कर लेंगे। चलो यहाँ पे हमारे प्रोडक्ट का जो इमेज है वो भी आ गया। अब इसका प्रोडक्ट का जो कैटेगरी है वो कैटेगरी हम लोग देखेंगे, तो यहाँ पे प्लगइन्स लिखा हुआ है, तो चलो दोस्त हम लोग यहाँ अपने प्रोडक्ट के कैटेगरी भी कैटेगरी के अंदर भी रखेंगे, तो यहाँ पे ऐड न्यू कैटेगरी पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे प्लगइन हम लोग डाल देते हैं। हमने यहाँ पे प्लगइन कैटेगरी को यहाँ पे ऐड कर लिया। तो दोस्त इस तरह से आप कैटेगरी भी ऐड कर सकते हैं, यहीं से ऐड कर सकते हैं। उसके बाद दोस्त हम लोगों को इसका प्राइस सेट करना है, तो प्राइस सेट करने के बाद दोस्त आप यहाँ पे देखेंगे कि एक वर्चुअल ऑप्शन आ रहा है, एक डाउनलोडेबल ऑप्शन आ रहा है, तो हम लोगों को जो सेल हम लोग करने वाले हैं यहाँ पे डाउनलोडेबल प्रोडक्ट सेल करने वाले हैं, तो यहाँ पे मान लीजिए कि हम लोग हमारे जो प्रोडक्ट का प्राइस है 3000 या जितना भी है हमने यहाँ पे डाल दिया। हम लोगों का जो सेल प्राइस है वो सेल प्राइस आपको जितना रखना हो आप रख दे सकते हैं। तो जैसे कि मान लो कि हमारा सेल प्राइस 99 है, अब यहाँ पे हम लोग प्रोडक्ट का जो नाम है उस नाम को हम लोग डाल देते हैं, तो प्रोडक्ट का नाम जो है यहाँ पे हम देख लेते हैं, तो ये प्रोडक्ट का नाम है, तो चलो दोस्त यहाँ पे प्रोडक्ट का नाम भी हम यहाँ पे डाल देते हैं। और इसके बाद दोस्त यहाँ पे एक्सपायरी डेट होता है और यहाँ पे एक डाउनलोड लिमिट होता है। अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पे डाउनलोड लिमिट देना है, मान लीजिए कि आपके प्रोडक्ट को कोई बाय करे तो 2 बार या 3 बार ही डाउनलोड कर पाए, तो आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि अनलिमिटेड बार वो डाउनलोड करे तो आपको यहाँ पे कोई सेट करना ही करना है। उसके बाद दोस्त यहाँ पे एक्सपायरी डेट होता है, जो कि अगर आप यहाँ पे एक्सपायरी डेट सेट कर देंगे कि 10 दिन तक ही डाउनलोड कर पाए, तो कोई भी बंदा अगर आपके वेबसाइट से कोई प्रोडक्ट को बाय करता है तो 10 दिन के अंदर वो डाउनलोड करता है या नहीं करता है, वो 10 दिन के अंदर एक्सपायर हो जाएगा 10 दिन के बाद। तो यहाँ पे दोस्त मान लीजिए कि हम यहाँ पे अगर कोई लिमिट नहीं देना चाहते तो यहाँ पे हम कोई नंबर्स और नहीं डालेंगे। उसके बाद दोस्त अपने को यहाँ पे प्रोडक्ट का ईमेल, यहाँ पे प्रोडक्ट अपलोड करना है, तो इसके लिए हम चूज फाइल पे क्लिक करेंगे। आपके पास जो भी प्रोडक्ट हो आप उस प्रोडक्ट को यहाँ पे अपलोड कर लीजिए। तो मान लीजिए कि ये जो प्लगइन है, इस प्लगइन का फाइल मेरे पास मान लीजिए कि यही वाला फाइल है, तो इस फाइल को हम यहाँ पे एक्सेस दे देते हैं, तो यहाँ पे इस प्लगइन को हम अपलोड कर लेते हैं और यहाँ पे इंसर्ट फाइल क्लिक कर देते हैं और यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमारा काम हो चुका है दोस्त। दोस्त ऐसे ही आप प्रोडक्ट जितना आपके साइट पे प्रोडक्ट को ऐड करना है उतना आप प्रोडक्ट ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम आते हैं अपनी वेबसाइट पे चलते हैं और इसको भी करके देखते हैं कि हम लोगों का जो प्रोडक्ट है किस तरह से दिख रहा है। तभी आप दोस्त देखेंगे कि कुछ हम लोगों का जो प्रोडक्ट है यहाँ पे इमेज आ गया, यहाँ पे टाइटल आ गया, यहाँ पर प्राइस शो हो गया और यहाँ पे शॉर्ट डिस्क्रिप्शन आ गया, यहाँ पे कार्ड का बटन आ गया और यहाँ पे नीचे में डिस्क्रिप्शन शो हो गया। तो दोस्त आपका जो प्रोडक्ट होगा कुछ इस तरह से शो होगा। अब चलते अपने होम पेज पे, तो हम लोगों का होम पेज जो है किस तरह से दिख रहा है। अब दोस्त होम पेज पे आप देखेंगे कि हम लोगों ने जो प्रोडक्ट वाला जो सेक्शन बनाया है, तो यहाँ पे प्रोडक्ट का यहाँ पे शो हो चुका है, यहाँ पे कार्ड का बटन आ रहा है और यहाँ पे भी प्रोडक्ट आ चुका है। तो हम लोग कैटेगरी वाइज जब डिफाइन कर देंगे तो यहाँ पे कैटेगरी वाइज प्रोडक्ट शो होना शुरू हो जाएगा और यहाँ पे नीचे में भी हम लोगों ने कुछ ऐड नहीं किया है। तो दोस्त हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं कि 4-5 प्रोडक्ट ऐड कर लेते हैं।
उसके बाद हम फिर वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। तो वीडियो को स्टॉप करके हम चार पांच प्रोडक्ट इसके अंदर ऐड कर लेते हैं। यहाँ पे दोस्त मैंने चार प्रोडक्ट को ऐड कर लिया, तो चलिए अपने होम पेज पे आते हैं और यहाँ पर रिफ्रेस करते हैं। तो दोस्त आप यहाँ पे देख पा रहे हैं मैंने यहाँ पे चार प्रोडक्ट ऐड कर लिया है। अब चलते हैं अपनी वेबसाइट के कस्टमाइजेशन पे और यहाँ पे अपनी वेबसाइट को कस्टमाइज करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग कस्टमाइज वाला जो सेक्शन है यहाँ पे है, तो यहाँ पे हम लोग इसको कस्टमाइज करेंगे। तो एक बार क्या करते हैं कि यहाँ पे इस पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे हम लोग शॉर्ट लिस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग अगर इस पे थीम्स और प्लगइन्स है, तो यहाँ पे हम लोग चाहते हैं कि सिर्फ थीम्स और प्लगइन्स हो, तो इसके लिए हम क्वेरी पे आएंगे, टर्म्स पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम सर्च कर लेते हैं प्लगइन। यहाँ पे हमने प्लगइन सर्च किया तो यहाँ पे प्लगइन आ गया, और यहाँ पे हम दूसरा का सर्च कर लेते हैं, यहाँ पे थीम सर्च कर लेते हैं दूसरा, यहाँ पे हम दूसरा थीम भी सर्च कर लेते हैं और यहाँ पे अपडेट कर देते हैं। यहाँ पे मैंने प्लगइन और थीम को सेट कर दिया कि इसके अंदर जो भी प्रोडक्ट शो होगा सिर्फ प्लगइन और थीम के नाम से ही शो होगा, बाकी जो दूसरा प्रोडक्ट होगा इसके अंदर नहीं शो होगा। यहाँ पे टॉप में हमने सेट किया है कि जो बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट हो वही शो हो, तो किसी भी कैटेगरी से प्रोडक्ट होगा जो ज्यादा सेल होगा वो यहाँ पे शो होगा। जो कि हम लोगों का एक और सेक्शन हम यहाँ पे एड कर देते हैं, जो कि हम लोगों का रील का सेक्शन होगा। यहाँ पे इस वेबसाइट पे आते हैं और यहाँ पे देखते हैं कि इनकी वेबसाइट पे रील वाला सेक्शन भी है, तो यहाँ पे जो रील वाला सेक्शन है इसको भी हम लोग ऐड कर लेते हैं अपने वेबसाइट पे। तो यहाँ पे प्लस के आइकन पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे टाइटल उठा के यहाँ पे रख देते हैं, और उसके बाद यहाँ पे टाइटल के अंदर हम लोग यहाँ पे रील रख देते हैं, टाइटल के अंदर हम लोग रील रख देते हैं और यहाँ पे सेट कर देते हैं सेंटर में। उसके बाद यहाँ पे फिर से प्रोडक्ट पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे प्रोडक्ट सेक्शन क्लिक करते हैं और यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे प्रोडक्ट हम लोग सर्च कर लेंगे। उसके बाद दोस्त यहाँ पे प्रोडक्ट को उठा कर रख देंगे। उसके बाद सेम ऐसे ही करना है हमें अपने को, यहाँ पे क्वेरीज पे आना है, यहाँ पे टर्म्स को सिलेक्ट करना है, यहाँ पे टर्म्स पे क्लिक कर देना है और यहाँ पे अपने को सर्च कर लेना है रील। तो हमने यहाँ पे रील कर लिया। अभी आप दोस्त देखेंगे कि सारे कैटेगरी से यहाँ पे प्रोडक्ट शो हो रहा है, अभी हम रील करेंगे तो सिर्फ रील से ही यहाँ पे शो होगा। तो हमने फाइंड कर दिया यहाँ पे, मतलब यहाँ पे रील सेट कर दिया कि रील के अंदर जो भी प्रोडक्ट शो होगा वो रील वाला प्रोडक्ट यहाँ पे शो होगा, मतलब यहाँ पे टॉप में बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट शो होगा, उसके बाद नीचे थीम्स और प्लगइन्स होगा, उसके बाद रील शो होगा, उसके बाद जो भी आपका प्रोडक्ट हो आप उस प्रोडक्ट को यहाँ पे शो करा सकते हैं। इतना करने के बाद दोस्तों हम लोग चाहते हैं कि यहाँ पे कुछ ऑफर शो कर दे या जो भी आप शो करना चाहते हैं तो यहाँ पे कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पे जो इमेज है, इस इमेज को अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो इस पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे अपलोड फाइल पे हम क्लिक करते हैं और यहाँ पे सेलेक्ट इमेज पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे अपने वेबसाइट से मैं कोई एक इमेज ले लेता हूँ जो कि थीम्स और प्लगइन से रिलेटेड इमेज हो। तो मेरे पास इमेज पड़ा हुआ है, तो दोस्त मैं यहाँ पे इमेज ढूंढता हूँ कि मेरे पास कहाँ पे इमेज है। तो मेरे पास ये वाला इमेज है, इस इमेज को हम यहाँ पे ले लेते हैं और यहाँ पे इस इमेज को यहाँ पे इंसर्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने इमेज सेट कर दिया। अब यहाँ पे कंटेंट के अंदर अगर आपको कोई चेंजेस करना हो तो आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो विथ जो लिखा है, तो यहाँ पे हम जो अपने साइड का नाम है आप उस साइड का नाम दे सकते हैं। तो यहाँ पे मैं उर्दू वेब कर देता हूँ। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप यहाँ पे क्या सेट करते हैं, बिल्डिंग और शॉप टूडे। तो यहाँ पे कुछ इस तरह से मैं कर देता हूँ और यहाँ पे अपडेट कर देता हूँ। मान लीजिए कि अपना काम इतना हो गया, उसके बाद दोस्त हम लोगों का ये है कि वो भी हो चुका है और टॉप में जो इमेजेस है इसको भी आप लोग चेंज कर सकते हैं। तो इसको चेंज करने के लिए दोस्त यहाँ पे हम क्लिक करेंगे क्योंकि ये वाला सेक्शन कंटेनर है। तो यहाँ पे हम कंटेनर पे आएंगे, स्टाइल पे आएंगे और जो हमारा जो इमेज है आप यहाँ पे कोई भी इमेज सेट कर सकते हैं। तो मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे ये वाला इमेज सेट कर दिया। तो अब यहाँ पे इमेज सेट करने के बाद हम इसको अपडेट कर देते हैं और अपने वेबसाइट के जो हम लोगों का वेबसाइट का होम पेज है इसको एक बार रिफ्रेश करके देखते हैं। थोड़ा सा इस होम पेज को हम लोग इधर कर लेते हैं ताकि देखने में सही लगे। हम लोगों का जो होम पेज है कुछ इस तरह से यहाँ पे आ चुका है। अब इसके अंदर जो भी टेक्स्ट होगा वो भी यहाँ पे दिखेगा। तो टेक्स्ट को शो कराने के लिए अब यहाँ पे इसके ऊपर जो भी टेक्स्ट है, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे हम लोगों ने कलर व्हाइट कर दिया था, तो इसलिए हम यहाँ पे इसका कलर कुछ और कर देंगे ताकि यहाँ पे दिखे। तो मान लीजिए कि हम यहाँ पे येलो सेट कर देते हैं। जो भी आप सेट करना चाहते हैं आप कर सकते हैं और आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो यहाँ पे स्टाइल पे क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे जो भी इमेज मेरे पास यही इमेज है, मान लीजिए कि मैं यहाँ पे कोई और इमेज यहाँ पे नहीं लगा रहा हूँ, यही इमेज लगा दिया और यहाँ पे अपने इमेज के हिसाब से, या अगर आपको इमेज नहीं लगाना है तो आप नहीं भी लगा सकते, जरूरी नहीं है कि यहाँ पे इमेज लगाना ही लगाना है आपको। तो कुछ इस तरह से आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। उसके बाद इस कंटेंट के अंदर कोई चेंजेस करना हो तो आप यहाँ पे कर सकते हैं इस तरह से। ओके दोस्त, उसके बाद अपडेट कर दीजिए। मान लीजिए कि आपके होम पेज का काम इतना हो चुका है और आपका होम पेज जो है एक रेडी हो चुका है। और इसके अंदर अगर हम लोग जो डेमो हम लोगों ने वेबसाइट लिया था इसके अगर होम पेज हम लोग देखेंगे तो इसके होम पेज पे और भी कुछ होगा तो उसको भी हम लोग ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो चीज था इनके वेबसाइट के होम पेज पे तो हम लोगों ने ऐड कर लिया है। ये फुटर के नीचे है,
लेटेस्ट प्रोडक्ट है, बेस्ट सेलिंग और टॉप रेटेड प्रोडक्ट है। तो इसको अगर आप लोग शो करना चाहते हैं तो इसे भी आप लोग शो करा सकते हैं, लेकिन वो चीज फूटर के अंदर दिया गया है। तो यहाँ पे देखेंगे शॉप का सेक्शन है, तो अगर उस तरह से आप शो कराना चाहते हैं तो यहाँ पे कैटेगरी वाइज भी आप शो करा सकते हैं। फिलहाल तो हम इस होम पेज से बाहर निकलते हैं और चलते हैं दूसरे पेज को कस्टमाइज करेंगे। यहाँ से होम पेज से बाहर निकलने के लिए विजिट व्यू पेज पे हम लोग क्लिक कर देते हैं और हम लोगों का जो होम पेज का जो लुक है कुछ इस तरह से दिख रहा है। इमेज थोड़ा सा सही नहीं लग रहा, तो इमेज हम लोग आगे चल के चेंज कर सकते हैं। और हम लोगों का जो प्रोडक्ट है डिजिटल प्रोडक्ट है कुछ इस तरह से शो हो रहा है। अगर हम लोगों के डिजिटल प्रोडक्ट पे कोई यूजर आता है और क्लिक करता है तो यहाँ पे मान लीजिए कि रील्स पे ही अगर क्लिक करता है तो ये डिजिटल प्रोडक्ट हम लोगों को का जो होगा कुछ इस तरह से दिखेगा। यहाँ पे साइड में इमेज हो गया, यहाँ पे साइड में चेकआउट का ऑप्शन आ जाएगा। तो यहाँ पे कार्ट पे कोई क्लिक करेगा तो यहाँ पे उसके कार्ट के अंदर ये प्रोडक्ट अपना एड हो जाएगा। और यहाँ पे चेकआउट पे क्लिक करेगा कोई भी यूजर तो यहाँ पे तीन सेक्शन में यहाँ पे आ रहा है प्रोडक्ट को चेकआउट करने का। लेकिन हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट चेकआउट करेंगे तो यहाँ पे इसके लिए दोस्तों हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग दूसरे पेज को कस्टमाइज करने से बेहतर है कि हम लोग आगे का सेटिंग्स जो है उससे कर लेते हैं। यहाँ पे आते हैं प्लगइन्स के अंदर और यहाँ पे हम लोगों को एक और प्लगइन इंस्टॉल करना होगा। ऐड न्यू प्लगइन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे ऐड न्यू प्लगइन पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे प्लगइन पे क्लिक करने के बाद दोस्तों अपने को यहाँ पे सर्च कर लेना है, फ्री प्लगइन है। तो यहाँ पे आपको सर्च करना है डायरेक्ट चेकआउट WooCommerce। तो यहाँ पे डायरेक्ट चेकआउट फॉर WooCommerce यहाँ पे आ चुका है, इसको इंस्टॉल कर लेना है। यहाँ पे दोस्त प्लगइन इंस्टॉल हो चुका है तो इसको एक्टिवेट कर देते हैं ताकि हम लोगों के वेबसाइट पे इसका जो सेटिंग्स है अप्लाई हो जाए। इस प्लगइन को एक्टिवेट करने के बाद दोस्त हम लोग यहाँ पे आएंगे WooCommerce पे आएंगे और यहाँ पे डायरेक्ट चेकआउट का ऑप्शन मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे सेटिंग्स पे आने के बाद दोस्तों अपने को क्या करना है कि यहाँ पे ऐड टू कार्ट अलर्ट है ना, इसको हम लोग यहाँ पे यस कर देंगे और यहाँ पे ऐड टू कार्ट लिंक जो शॉप है तो इसको भी हम यस कर देंगे और यहाँ पे भी इसको भी डायरेक्ट जो वाला ऑप्शन है इसको भी यस कर देंगे और यहाँ पे चेकआउट वाले पेज पे हम लोग भेज देंगे। अब इसको सेव कर लेते हैं। इसके बाद दोस्त अपने को यहाँ पे आना है चेकआउट वाले पेज पे। अब यहाँ पे चेकआउट का जो सेटिंग्स मिल रहा है इस पे आएंगे और यहाँ पे आने के बाद दोस्त अपने को यहाँ पे रिमूव क्या क्या चीजें करना है। यहाँ पे हम लोग चाहते हैं कि यहाँ पे पोस्ट कोड जो कोड जो है उसको रिमूव करते हैं, यहाँ पे सिटी भी रिमूव करते हैं और यहाँ पे कंट्री भी कंट्री रहने देते हैं और यहाँ पे कंट्री को हम लोग और यहाँ पे हम चाहते हैं कि यहाँ से एड्रेस भी रिमूव हो जाए और यहाँ से हम लोग चाहते हैं हम लोगों ने इतना चीज रिमूव कर दिया, यहाँ से हम लोग फोन नंबर जो है हम लोग फोन नंबर को रिमूव नहीं करेंगे। तो हम लोग अपने चेकआउट वाला जो पेज है उसमें फर्स्ट नेम रखेंगे और लास्ट नेम रखेंगे और स्टेट रखेंगे और स्टेट भी नहीं रखेंगे, फोन नंबर रखेंगे और यहाँ पे स्टेट को भी रिमूव कर देते हैं। इतना चीज करना है, उसके बाद यहाँ पे रिमूव चेकआउट शिपिंग एड्रेस जो है ना इसको भी हम लोग रिमूव कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे रिमूव चेकआउट ऑर्डर कमेंट्स जो है इसको भी हम लोग रिमूव कर देंगे। यहाँ पे बाकी सब चीज को यहाँ पे रहने देते हैं, उसके बाद सेव कर देते हैं और चलते अपने अपने वेबसाइट पे चलते हैं और चेक करते हैं कि कैसा दिख रहा है। यहाँ पे जो प्रोडक्ट वाला जो सेक्शन आता है ना इसके अंदर भी आप यहाँ पे क्लिक करके इसके अंदर भी कोई सेटिंग्स आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। यहाँ पे रिप्लेस ऐड टू कार्ट टेक्स्ट का जो ऑप्शन आ रहा है तो आप यहाँ पे अगर रिप्लेस करना चाहते हैं तो रिप्लेस करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। जैसे कि दोस्त अगर आप यहाँ पे देखेंगे ना यहाँ पे ऐड टू कार्ट का ऑप्शन है, यहाँ पे अगर आप डाउनलोड का ऑप्शन देना चाहते हैं, परचेज का देना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग डाउनलोड कर देते हैं, यहाँ पे डाउनलोड करके सेव कर देते हैं। उसके बाद हम लोग एक बार अपने प्रोडक्ट वाले पेज पे आते हैं, इसको रिफ्रेश करते हैं और यहाँ पे देखते हैं दोस्त यहाँ पे पहला अपना काम जो हम लोगों ने किया था डाउनलोड वाला ऑप्शन आ चुका है और यहाँ से जो नंबर है ना इस नंबर को भी रिमूव कैसे करते हैं ये सब चीजें हम बताएंगे। अब हम लोग चेक कर लेते हैं, तो इसको क्या करते हैं सबसे पहले रिफ्रेश कर लेते हैं और यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे डाउनलोड वाला बटन आ चुका है क्योंकि जो सेटिंग हम लोगों ने किया था तो ये सेटिंग यहाँ पे अप्लाई नहीं हुआ था। उसके बाद जो दोस्त हम लोगों ने रिमूव किया था वहां से वो चीजें रिमूव हो चुका है। तो यहाँ पे नाम डालना है या फोन नंबर डालना है, तो चलिए यहाँ पे नाम और यहाँ पे फोन नंबर डाल के देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमने नाम और फोन नंबर डाला और यहाँ पे कंटिन्यू टू डिलीवरी किया और यहाँ पे कंटिन्यू टू पेमेंट किया और यहाँ पे पेमेंट पे आते हैं और यहाँ पे पेमेंट गेटवे कोई इंटीग्रेट नहीं है इसलिए दोस्त इस तरह से आ रहा है। यहाँ पे प्लेस ऑर्डर हो चुका है, तो यहाँ पे देख सकते हैं इनवैलिड पेमेंट मेथड क्योंकि हमने यहाँ पे कोई पेमेंट गेटवे को अभी इंटीग्रेट नहीं किया है। तो हम लोगों का इतना काम हो चुका है, तो अब चलते हैं अपने वेबसाइट के होम पेज पे डैशबोर्ड के अंदर और यहाँ पे अपने को पेमेंट गेटवे इंटीग्रेट करना है। तो पेमेंट गेटवे इंटीग्रेट करने के लिए दोस्तों हम लोग काम करते हैं, फिलहाल चेकअप के लिए हम लोग करते हैं इससे पेमेंट्स पे आते हैं और यहाँ पे कैश ऑन डिलीवरी वाला जो ऑप्शन है इसको हम लोग इनेबल कर देते हैं। लेकिन जो हम लोगों का डिजिटल प्रोडक्ट होता है ना तो इसके अंदर हम लोग कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन नहीं रख सकते, हम लोग यहाँ पे पेमेंट गेटवे को इंटीग्रेट करेंगे। तो चलिए आगे हम लोग पेमेंट गेटवे को इंटीग्रेट करेंगे, फिलहाल इस पेज को हम रिफ्रेश करते हैं
और यहाँ पे हम लोगों को एक ऑप्शन मिल जाएगा कैश ऑन डिलीवरी का, तो यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं और फिर से कंटिन्यू पेमेंट, और यहाँ पे हम लोगों को एक ऑप्शन मिल चुका है पे विथ कैश ऑन डिलीवरी का। अब यहाँ पे ऑर्डर करते हैं क्लिक, तो हम लोगों का जो ऑर्डर है यहाँ पे सक्सेसफुल यहाँ पे ऑर्डर हो चुका है। तो यहाँ पे जो हम लोगों का प्रोडक्ट का जो डाउनलोड लिंक होगा यहाँ पे मिल जाएगा। तो इस प्रोडक्ट में हम लोगों ने डाउनलोड का लिंक नहीं डाला था, इसलिए यहाँ पे डाउनलोड का लिंक यहाँ पे नहीं मिला है। तो फिलहाल एक काम करते हैं, यहाँ पे हम इसको रिप्लेस करते हैं और यहाँ पे हम दूसरा प्रोडक्ट को काट कर लेते हैं। तो यहाँ पे मान लीजिए कि इसके अंदर हमने डाउनलोड का लिंक दिया था, तो यहाँ पे इस प्रोडक्ट को हम चेकआउट करते हैं और इस प्रोडक्ट को हम ऑर्डर करते हैं। और यहाँ पे देखते हैं हमारा जो ईमेल आईडी होगा ना, इस ईमेल आईडी के ऊपर डिलीवर हो जाएगा। ये हमने यहाँ पे डमी ईमेल आईडी डाला है, तो इसलिए यहाँ पे हमारे ईमेल आईडी पे प्रोडक्ट शो नहीं आएगा। फिलहाल इस प्रोडक्ट को हमने ऑर्डर कर दिया। ऑर्डर करने के बाद दोस्त हम लोगों को यहाँ पे ये प्रोडक्ट सेक्शन आ गया, और यहाँ पे हम लोग अपने जो हमारा अकाउंट सेक्शन होगा उसके अंदर एक प्रोडक्ट का डाउनलोड लिंक भी मिल जाएगा। दोस्त यहाँ पे कोई भी यूजर आएगा इस तरह से चेकआउट कर सकता है किसी भी प्रोडक्ट। उसके बाद चलिए हम लोग अपना दूसरा काम कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों का होम पेज का काम हो चुका है, लेकिन होम पेज का जो टॉप वाला जो ये बैनर दिख रहा है ना, बहुत बेकार दिख रहा है। तो इसके अंदर मान लीजिए और कोई पेजेस बनाना है, तो दोस्त आप उस पेजेस को भी बना सकते हैं। पेजेस को बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, यहाँ पे जो भी चीज है, अगर फुटर को या हेडर को कस्टमाइज करना है, तो हेडर या फुटर को कस्टमाइज करने के लिए दोस्त आपको सेम यहाँ पे आपको हेडर कस्टमाइजेशन पे क्लिक करना है, और यहाँ पे हेडर को कस्टमाइज करने के लिए आपको यहाँ पे हेडर सेक्शन का कस्टमाइजेशन मिल जाएगा, जो हम लोगों ने एक प्रो प्लगइन यूज किया था उसकी वजह से यहाँ पे हेडर कस्टमाइजेशन का सेक्शन मिल जाएगा। पहले आपने पार्ट वन में देखा होगा कि यहाँ पे हेडर का कस्टमाइजेशन वाला ऑप्शन जो था नहीं मिला था, लेकिन दोस्त अभी आप देखेंगे कि यहाँ पे कोई मतलब जो एक्स्ट्रा जो सेटिंग्स है यहाँ पे नहीं मिला। तो इसके लिए दोस्त हम लोगों को प्लगइन इंस्टॉल करने के बाद हम लोगों के इस प्लगइन को एक्टिवेट भी करना होता है। तो यहाँ पे जो जस्टिफाई है ना, इस पे हम क्लिक कर लेते हैं और इस जो हम लोगों को जो नया एडेंस जो हम लोगों ने इंस्टॉल किया था उसको उसका एडेंस को एक्टिवेट करने के लिए यहाँ पे देख सकते हैं सारे जो यहाँ पे लॉक आ रहा था यहाँ पे इनेबल हो चुका है, लेकिन इसको हम लोग यहाँ पे लाइसेंस की भी एक्टिवेट हो चुका है। और यहाँ पे एडेंस पे आएंगे और यहाँ पे एक्टिवेट कुछ आपको यहाँ पे डीएक्टिवेट नजर आएगा, तो यहाँ पे आपको एक्टिवेट ऑल कर देना है। और यहाँ पे एक्टिवेट ऑल करने के बाद दोस्त हम लोग अब अपने वेबसाइट पे आएंगे और यहाँ पे जो है इसको एक बार रिफ्रेश कर लेंगे। अब यहाँ पे रिफ्रेश करने के बाद दोस्त इसके अंदर जो एडिशनल जो सेटिंग्स है यहाँ पे इनेबल हो चुका है। तो अपने को जो ये हेडर को कस्टमाइज करना है या फुटर को कस्टमाइज करना है, तो उसके लिए दोस्त आपको क्या करना है कि यहाँ पे लेआउट वाला सेक्शन पे क्लिक करना है, और इसके बाद यहाँ पे जो अगर ये टॉप में दिख रहा है ना फ्री शिपिंग ऑन ऑर्डर जो दिख रहा है, इसको हटाना है तो टॉप बार में आप यहाँ पे क्लिक कीजिए और इसके अंदर जो भी आप चेंजेस करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। यहाँ पे मान लीजिए जो भी आप यहाँ पे टाइप करेंगे वो चीज यहाँ पे आ जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे राइट साइड में अगर कुछ देना चाहते हैं या लेफ्ट साइड में देना चाहते हैं तो उसको भी आप कर सकते हैं। यहाँ पे डिजाइन करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं, और इसका कलर चेंज करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। तो यहाँ से आपको फुली कंट्रोल इस साइट का मिल चुका है आपको सिर्फ इस प्लगइन को एक्टिवेट करने के बाद। यहाँ पे नॉर्मल हेडर आता है जो कि यहाँ पे हेडर का लेआउट्स भी आ जाता है, जो कि अगर आप हेडर का लेआउट को चेंज करना चाहें तो आप आसानी से यहाँ पे कर सकते हैं। सिर्फ आपको लेआउट पे क्लिक करना है, तो दोस्त आप देख सकते हैं यहाँ पे हेडर का जो लेआउट है वो चेंज हो चुका है। इसको पब्लिश कर दीजिए और इसके अंदर जो भी चेंजेस करना है, जो भी सेटिंग्स करना है, ट्रांसपेरेंट हेडर करना है, एसटीके हेडर करना है, वो भी कर सकते हैं। अगर एसटीके करना है तो इसको आप इनेबल कर दीजिए और यहाँ पे इसको पब्लिश कर दीजिए। उसके बाद पेज हेडर, मोबाइल हेडर, जो भी आप चेंजेस करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। फुटर का पे क्लिक कीजिएगा तो जो फुटर वाला जो सेक्शन है आप यहाँ पे देखिएगा, ये सेक्शन के अंदर आप चेंजेस कर सकते हैं। यहाँ पे होस्टिफाई वाला जो ऑप्शन आ रहा है जिसको भी आप यहाँ से निकाल सकते हैं। आप यहाँ पे अपना जो वेबसाइट का नाम है उसको टाइप कर सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि मैं यहाँ पे वुडू वेब लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे इस तरह से आप अपने पूरे साइट को कस्टमाइज कर सकते हैं और यहाँ से फुली कंट्रोल कर सकते हैं। तो अभी मान लीजिए कि हम एक एक चीज यहाँ पे कस्टमाइज करके नहीं दिखाने वाले, आप यहाँ से कर सकते हैं। ओके दोस्त, अब यहाँ से हम यहाँ से बैक हो जाते हैं। अब अपने वेबसाइट के अंदर अपना वेबसाइट रेडी टू सेल हो चुका है। अब यहाँ पे अपने को पेमेंट गेटवे को इंटीग्रेट करना है। तो पेमेंट गेटवे को इंटीग्रेट करने के लिए यहाँ पे मैं किसी एक पेमेंट गेटवे को बता देता हूँ। तो चलिए मान लीजिए कि यहाँ पे हम पेटीएम को ही इंटीग्रेट करते हैं। तो पेटीएम को इंटीग्रेट करने के लिए दोस्त अपने को यहाँ पे प्लगइन्स पे सेक्शन पे आना है और यहाँ पे एड न्यू प्लगइन्स पे क्लिक कर देना है। एड न्यू प्लगइन्स पे क्लिक करने के बाद दोस्त यहाँ पे आप पेटीएम सर्च कर लीजिए। यहाँ पे पेटीएम सर्च करेंगे तो यहाँ पे पेटीएम का प्लगइन आ जाएगा। इससे अच्छा दोस्त मैं 10 मिनट इस वीडियो में नहीं बढ़ाने वाला। एक काम करते हैं, आप YouTube पे आ जाइए और यहाँ पे हमारे चैनल्स पे आ जाइए। चैनल्स पे आने के बाद दोस्त यहाँ पे अगर हमारे चैनल्स पे देखेंगे
तो यहाँ पे पेमेंट गेटवे का इंटीग्रेट कैसे करते हैं उसका सेपरेट मैंने वीडियो बना कर रखा है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो पेटीएम इंटीग्रेट कैसे करते हैं या रेजर पे को कैसे इंटीग्रेट करते हैं, तो यहाँ पे देख सकते हैं पेपल को इंटीग्रेट करना मैंने बताया है। और यहाँ पे अगर आप नीचे में थोड़ा सा आइएगा तो यहाँ पे क्यूआर कोड सॉरी यहाँ पे पेटीएम पेमेंट गेटवे को इंटीग्रेट कैसे करते हैं इस वीडियो को आप देख लीजिएगा, पेटीएम को आप इंटीग्रेट कर पाइएगा। उसके बाद ईबुक्स अगर साइट बनाना है तो वो भी वीडियो आप देख सकते हैं। रेजर पे को कैसे इंटीग्रेट करना है ये वीडियो देख के रेजर पे को इंटीग्रेट कर सकते हैं। अगर आप यूपीआई को इंटीग्रेट करना चाहते हैं तो यूपीआई वाला वीडियो देख लेना, आप यूपीआई को भी इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो दोस्त आप इस तरह से अपने लिए बहुत ही बेहतरीन डिजिटल सेलिंग प्रोडक्ट वेबसाइट बना सकते हैं और अपना डिजिटल प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं। अगर दोस्त चाहते हैं कि इस तरह की वेबसाइट हमसे बनवाना तो दोस्त आप हमसे भी इस तरह की वेबसाइट बनवा सकते हैं। इसके लिए दोस्त आपको क्या करना है कि थीमराजा की वेबसाइट पे आ जाना है और यहाँ पे सर्विसेज पे आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पे सर्विसेज पे क्लिक करने के बाद दोस्त आप मेरा सर्विसेज जो है आप यहाँ पे देख सकते हैं। जिस भी तरह का आपको वेबसाइट बनवाना है बहुत ही कम चार्ज में हम लोग इस तरह की वेबसाइट बना सकते हैं। और यहाँ पे ईबुक सेलिंग वेबसाइट हो गया, जो भी हो गया, मेरा नेट थोड़ा स्लो चल रहा है, कुछ इस तरह से यहाँ पे सो रहा है। चलिए मैं यहाँ पे इस वाले पेज पे लेके आ जाता हूँ और मैं यहाँ पे एक ऑफर चलाया हूँ। अगर आपको डिजिटल प्रोडक्ट सेलिंग वेबसाइट बनवाना है तो दोस्त आप यहाँ से बनवा सकते हैं। तो यहाँ पे मैं एक ऑफर चलाया हूँ दोस्त, आप देख सकते हैं 500 प्लस प्रोडक्ट ऐड करके मात्र 3500 में आपके लिए कुछ इस तरह का वेबसाइट हम बना के आपको दे देते हैं, जैसे दोस्त आप देख पा रहे हैं। तो यहाँ पे आप आ सकते हैं, ऐसे इसका लिंक भी है वीडियो का डिस्क्रिप्शन दे दूंगा। अगर आप खुद से वेबसाइट ऐसे नहीं बनाना चाहते तो दोस्त आप हमसे बनवा सकते हैं, साथ में 500 प्रोडक्ट ऐड करके दे देंगे। अगर आप दोस्त 500 प्रोडक्ट ऐड करने बैठेंगे तो महीनों दिन लग जाएगा, लेकिन महीनों दिन का काम अगर टाइम बचाना चाहते हैं दोस्त आप इतना पे कर सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। या तो अब मैंने बता ही दिया है कि आप दोस्त फ्री में कैसे वेबसाइट बना सकते हैं, हर चीज मैंने बता दिया है। जो भी चीज आपका डाउट है तो कमेंट करेंगे तो उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बना के जरूर डालूंगा यूट्यूब पे, उसे देख के अपना प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। और दोस्त अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो दोस्त आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और साथ में प्यारा सा कमेंट कर दीजिए ताकि इस तरह की वीडियो बनाने में हमें मोटिवेशन मिलता रहे, और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए। चलिए दोस्त फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।